युवा मोर्चा ने शहीद दिवस के अवसर याद किया, शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर मौदहा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंच भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्मारक की साफ सफाई कर उसको फूलों से सजाया और बाद में नमाकों से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशभक्ति के गगनचुंबी नारे लगाए। 23 मार्च को समस्त भारतवासी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और 1931 को आज़ादी के पहले भारत के शहर लाहौर की जेल में हंसते हुए युवा अवस्था में ही देश की आज़ादी के लिए फांसी में झूल गए थे। तभी से तीनों शहीदों को याद करते हुए इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। उसी तरह बुधवार की देर रात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा आकाश त्रिपाठी में हमीरपुर जिले के सभी जनपदों सहित मौदहा के गुडाही बाजार स्थित शहीद स्मारक में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई करने के बाद उसको फूलों से सजाया और शहीदों को नमाखों से श्रद्धांजलि अर्पित की और इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव अमर रहे के गगनचुंबी नारे लगाए, लोगों की रगों में ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आकाश त्रिपाठी, हर्षित गुप्ता, अजय कांत, सचिन सिंह, हर्ष शिवहरे सहित दर्जनों युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता के इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। आजाद भगत सिंह अमर रहे, आजाद भगत सिंह अमर रहे, आजाद भगत सिंह अमर रहे, आजाद भगत सिंह माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, भारत माता के जय, भारत माता के जय, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता के जय, भारत माता के जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, भारत माता के जय, भारत माता के जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद। अपडेट मीडिया के लिए मौदहा से हर्षित गुप्ता की रिपोर्ट।